दोस्तों टीवी सीरियल जोधा अकबर में सलीमा बेगम का रोल करने वाली अभिनेत्री मनीषा यादव का 1 अक्टूबर को निधन हो गया है। मनीषा यादव के निधन का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार मनीषा यादव का निधन ब्रेन हेमरेज के कारण हुआ है। वही एक्ट्रेस मनीषा यादव की को स्टार परिधि शर्मा ने इस दुखद खबर से काफी दुखी है। परिधि शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मनीषा यादव की तस्वीरें शेयर कर लिखा, ये खबर दिल तोड़ने वाली है, रिप मनीषा यादव। दोस्तों आपको बता दें कि परिधि शर्मा ने ई टाइम्स से बात करते हुए कहा कि शो के ऑफ ईयर हो जाने के बाद मैं उनसे लगातार संपर्क में नहीं होती थी, लेकिन हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और इस ग्रुप में वो सभी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शो में बेगम के किरदार में नजर आई थी। इस ग्रुप के जरिए हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और अगर किसी को अपने से जुड़ी कुछ जरूरी बात शेयर करनी हो तो हम इस ग्रुप में करते थे। कल मुझे इस ग्रुप के जरिए इस खबर के बारे में पता चला और मैं शॉक्ड रह गई। वही दोस्तों एक्ट्रेस मनीषा यादव ने 3 महीने पहले जुलाई में अपने बेटे का पहला जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। उन्होंने लिखा था, पहला जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे, तुम मेरे जीवन में कठिन समय के इस दौरान एक रोशनी की तरह रहे हो। मैं तुम्हारी माँ होने पर बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वही दोस्तों एक्ट्रेस मनीषा यादव का बेटा अभी 1 साल का ही हुआ था कि उसके सर से ममता का साया छिन गया। वैसे दोस्तों आप भी इस अभिनेत्री की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। धन्यवाद।